Hey guys, आज का ये वाला वीडियो कतर रैपचिक से लेके बुम्बास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबके फेवरेट इवेंट्स और अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हाँ गाइस, आप सबको दिवाली विश इवेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो मैं आपको दिवाली विश की अपडेट देने वाला हूँ। दिवाली विश इवेंट कब आएगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कंफर्म कौन कौन से बंडल रह गए। जिन लोगों को अपना क्रिमिनल बंडल रिटर्न में चाहिए उनके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि क्रिमिनल बंडल रिटर्न आने वाला है और साथ में इसकी डेट भी आपको बताऊंगा। मुझे ये बात भी पता चली है कि आप लोग डबल डायमंड टॉप अप इवेंट का वेट कर रहे हो। बात तो सही है। अच्छा बात सही है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है क्योंकि डबल डायमंड टॉप अप इवेंट कंफर्म हो चुका है, जिसकी डेट भी बताऊंगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बैड न्यूज है कि अपना फ्री फायर इंडिया नहीं आने वाला और डिले होने वाला है। ये क्या बात करता है यार। हमारे MS धोनी सर का जो इवेंट है भाई, उनका भी यही सीन है, उनके रिगार्डिंग पे एक बैड न्यूज है। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आखिर सब कुछ क्या सीन चल रहा है वो आगे आपको पता चलेगा। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारे लकी कमेंट को पिक किया है, जिसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपकी धोती को, सॉरी आप तो पैंट पहनते हो गए, हाँ तो आपके पैंट के नाड़े को, नहीं पैंट में नाड़ा नहीं होता। अरे डायलॉग को जाने दो यार, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग आज के मध्य रात्रि अपडेट के बारे में। तो कल अपने गेम के अंदर आप सबको लूटने आ रहा है इवो वॉलेट इवेंट। इस इवेंट के अंदर टोटल 4 इवो गनर रहेगी। मेन रहेगी अपनी इवो M187, दूसरी इवो फार्मस, तीसरी इवो थॉमसन और चौथी इवो रहेगी, हाँ क्या रहेगी, इवो ग्रोजा। यार ये गरेना के एम्प्लॉयर भाई कौन सा नशा करके इवेंट को डिजाइन करते है। इवो ग्रोजा तो पिछले इवो में आई थी, वापस से दे दी। एक इवो गन को निकालने के लिए 1100 डायमंड के आसपास लगेंगे, तो आप लोग अंदाजा लगा लेना कि सभी इवो गन को निकालनी है तो कितने डायमंड लगेंगे। अगर आप लोग 50 पिन करोगे तो एक इवो गन आपको कंफर्म मिल जाएगी, और जो इवो गन आपके पास ऑलरेडी है वो दोबारा निकलती है तो उसके बदले में टोकन मिलेगा। ये सब देख के मैं तो गरेना के मालिक चावली को यही कहूँगा। चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग OB42 अपडेट के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे एक मस्त सी अपडेट मिली है। गरेना ने खुद ऑफिशियली बता दिया है कि अपडेट के बाद अपना गिल्ड स्टोर कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जब आप अपनी गिल्ड को लेवल अप करोगे तो ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ गरेना ने गिल्ड टोकन स्टोर को भी दिखा दिया है, जो कि आप लोग देख लो। अपडेट के बाद अपना गिल्ड टोकन स्टोर कुछ ऐसा रहेगा। गिल्ड टोकन यूज करके आप लोग वॉइस पैक को भी खरीद पाओगे, और साथ में यहाँ पे ये भी बताया है कि कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा गिल्ड टोकन को ले सकते हो। गिल्ड टोकन को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए आपको गिल्ड पॉइंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, और इसका बेस्ट तरीका है कि आप अपने गिल्ड मेट के साथ गेम प्ले करो। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि गिल्ड के अंदर से आपको गिल्ड फ्लैग इमोट मिलेगा, तो यहाँ पे देखो गाइस गरेना ने खुद बता दिया है कि गिल्ड टोकन का यूज करके आप लोग गिल्ड फ्लैग इमोट को क्लेम कर पाओगे। और यहाँ पे आपको मल्टीपल स्काइविंग भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही तगड़ा रहेगा। गिल्ड टोकन से हमें और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो एक मस्त सी जिप की स्किन मिलने वाली है, जो अपने गिल्ड के थीम पे है। मुझे ये जिप की स्किन अच्छी लगी क्योंकि भाई ये फ्री में मिलने वाली है, और साथ में एनिमेशन भी है, और यहाँ पे एक बाइक की स्किन भी है। बाइक की स्किन के बाद मिलेगा आपको गिल्ड बैकपैक, तो बस ये रिवॉर्ड आप लोग अपडेट के बाद अपने गिल्ड टोकन से एक्सचेंज कर पाओगे। गरेना के मालिक चावली ने यह काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से एक गिफ्ट। खैर गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग फ्री फायर इंडिया के बारे में। फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड मैंने बहुत ही कम अपडेट दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। सुन के आपको दुख लगेगा, लेकिन ये सच है। बहुत ही सारे यूट्यूबर आपको बोल रहे थे ना कि 31 अक्टूबर को फ्री फायर इंडिया आएगा, नहीं तो 1 नवम्बर को आएगा, तो भाई भूल जाओ, फ्री फायर इंडिया नहीं आने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना फ्री फायर इंडिया आएगा ही नहीं, अपना फ्री फायर इंडिया
आएगा, लेकिन जो दो डेट वायरल हो रही थी ना उस डेट को नहीं आने वाला। अगर 31 अक्टूबर को नहीं तो 1 नवंबर को फ्री फायर इंडिया आने वाला होता ना तो गरेना खुद ऑफिशियली बता देता, लेकिन गरेना के मालिक चावली ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि भाई फिर फ्री फायर इंडिया कब आएगा, डेट बताओ, तो मैं तुमको डेट नहीं बताने वाला, क्योंकि डेट भाई चेंज होती रहती है और ये तुम्हें पता है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि 31 अक्टूबर को नहीं तो 1 नवंबर को फ्री फायर इंडिया आ जाए ताकि भाई हम सब खुश हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। जितना ज्यादा फ्री फायर इंडिया डिले होगा उतना अपना धोनी सर का जो कोलैबोरेशन है गाइस वो डिले होगा। जब तक अपना फ्री फायर इंडिया नहीं आ जाता तब तक अपने धोनी सर के जो कोलैबोरेशन के रिवॉर्ड है गाइस वो गरेना इंडियन सर्वर के अंदर नहीं देने वाला। जब तक अपना फ्री फायर इंडिया नहीं आ जाता तब तक भाई धोनी सर का कोलैबोरेशन इवेंट और इसके जो रिवॉर्ड है गाइस वो पेंडिंग में पड़े रहेंगे। और अभी का अपडेट ये है कि अपना थाला सर का जो कोलैबोरेशन इवेंट है गाइस वो अपने दिवाली इवेंट के बाद स्टार्ट होगा। और अब तो ये भी वायरल होने लगा है कि अपना फ्री फायर इंडिया दिवाली इवेंट के बाद आएगा। भाई साहब यार सच में मेरे दिमाग का दही हो चुका है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं आपके फेवरेट डबल डायमंड टॉप अप इवेंट के बारे में। इस वक्त पे अपने गेम के अंदर चल रहा है घोड़ा घोड़ी के जो रिवॉर्ड्स है उसका टॉप अप इवेंट। ये टॉप अप इवेंट अपने नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को खत्म होगा। और कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि नेक्स्ट टॉप अप इवेंट ही अपना डबल डायमंड टॉप अप इवेंट रहेगा। लगेगा तो भाई 99% कंफर्म है कि अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट अपना डबल डायमंड टॉप अप इवेंट का रहेगा, जो अपने दिवाली इवेंट स्पेशल रहेगा। मेरे ख्याल से अब आप लोग खुश हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। लेकिन गाइस मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते ना तब मेरे को बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे वीडियो को वायरल करा सकती है और बाकी के लोगों तक ये वीडियो सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं टारगेट रखता हूँ 1.2 के लाइक्स का, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। यार मैं चाहता हूँ कि दिवाली आने से पहले हम सबकी फैमिली ठीक है 100K की हो जाए, भाई कते मजा आ जाए। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं अपन लोग क्रिमिनल बंडल रिटर्न के बारे में। सबसे पहले आप लोग इस नोटिस को पढ़ो जो कि डाटा माइनर की तरफ से है और यहाँ पे लिखा हुआ है येलो क्रिमिनल प्लस 4 डिनो बंडल 3-19 नवंबर। और इवेंट क्या है, रेटअप इवेंट। और आपको पता होगा रेटअप इवेंट एक वेब इवेंट होता है, यानी गाइस डाटा माइनर का कहना ये है कि 3 नवंबर से लेके 19 नवंबर के बीच में अपना येलो क्रिमिनल प्लस 4 डिनो बंडल वेब इवेंट में आएंगे। आप लोग बोल रहे थे कि भाई कन्फर्म बताओ क्रिमिनल बंडल आएगा या फिर नहीं, तो भाई जो डाटा माइनर ने अपडेट दी है गाइस वही आपको मैंने अपडेट दी है, मेरी घर की यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। तो बस गाइस याद रखना 3 नवंबर से लेके 19 नवंबर के बीच में अपना येलो क्रिमिनल बंडल प्लस 4 डिनो बंडल आएगा, ठीक है, इवेंट में। यानी गाइस अब तो कंफर्म है कि आपको क्रिमिनल बंडल रिटर्न में देखने को मिलेगा और वो भी पक्का। बस इसकी एक बार 100% डेट मिल जाए मैं आपको बता दूंगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं आपके फेवरेट इवेंट दिवाली विश इवेंट के बारे में। क्रिमिनल बंडल की तरह गाइस डाटा माइनर ने गिफ्ट ऑफ लाइट यानी दिवाली विश इवेंट के बारे में अपडेट दी है, जो कि आप लोग पढ़ लो। डाटा माइनर ने बताया है कि 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में अपना गिफ्ट ऑफ लाइट यानी दिवाली विश इवेंट आएगा। दिवाली विश इवेंट के अंदर कौन कौन से बंडल आएंगे चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर सारे बंडल को देख रहे हो गाइस ये वाले बंडल अपने दिवाली विश इवेंट के अंदर आने वाले हैं। लेकिन आगे जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है, तो भाई वीडियो को स्किप मत करना। आप लोग वीडियो को प्यूस करके ठीक है भाई सारे बंडल को देख लो और ये भी देख लेना कि आपका फेवरेट बंडल इसके अंदर है भी या फिर नहीं। यहाँ पे अपने ओल्ड रैंपेज इवेंट के बंडल है, बाकी भाई और भी बहुत ही सारे बंडल है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और काफी मस्त है। स्ट्रीट ठग बंडल तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई, कते बवाल टाइप के बंडल है जो कि आप लोग देख लो
भाई सभी बंडल बहुत ही मस्त मस्त से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, अपने इनक्यूबेटर के बंडल भी रह गए, ठीक है, जैसे कि जोकर बंडल वगैरह वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी रह गए। आप चाहो तो इन सभी बंडल को एक साथ में भी देख सकते हो। और हाँ गैस, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि गरेना इन्हीं बंडल के अंदर से चूज करेगा सारे बंडल को और अपने दिवाली विश इवेंट में देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी बंडल आए। फिर गैस अपना क्लाउन इनक्यूबेटर, अपना समुरा इनक्यूबेटर, हेलोविन फेस इनक्यूबेटर, ओल्ड बनी इनक्यूबेटर, इसके अलावा और भी इनक्यूबेटर के जो बंडल है, ठीक है गैस, उनमें से एक एक बंडल रहने वाले है। क्लाउन इनक्यूबेटर के सिवाय के बाकी के जो इनक्यूबेटर है उसका तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को लीक्स मिली है कि क्लाउन इनक्यूबेटर के अंदर से एक बंडल रहने वाला है। रही बात गन स्किन की, तो गन स्किन के अंदर भी आपको ओल्ड रेयर रेयर और इनक्यूबेटर की कुछ गन स्किन दिखने को मिलेगी। पर्पल शेड बंडल अपने दिवाली विश इवेंट में नहीं होता तो गैस मुझे लगता है कि इस बार भी नहीं होगा, लेकिन ज्यादा डिमांड होने की वजह से गरेना डाल सकता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कंफर्म अपडेट नहीं है। बाकी चलिए गैस, पिछले कुछ वीडियो के अंदर आप लोगों ने मस्त मस्त से कमेंट करे थे, तो उसका आंसर दे देता हूँ। गेमिंग 809 व्हाइट ने कहा है कि भाई आप सही इन्फॉर्मेशन देते हो और मैं सिर्फ आपकी वीडियो देखता हूँ, तो भाई थैंक यू। और पूछा है कि कोबरा फिस्ट की स्किन कब आएगी, तो देखो ब्रदर अभी नहीं आने वाला, जब अपना कोबरा बंडल आएगा ना तब आने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। ज्यादातर सभी लोगों ने पूछा है कि इवो एक नहीं तो इवो स्कार रिटर्न कब आएगी, तो गैस कल ही अपने गेम के अंदर इवो वॉल्ट आने वाला है जिसके अंदर एक और स्कार नहीं रहेगी, यानी अब आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। कल के इवो वॉल्ट इवेंट को छोड़ के नेक्स्ट इवो वॉल्ट जो आता है ना उसके अंदर रह सकती है। एनिमी आर्टिस्ट ने पूछा है कि भाई इस दिवाली में पहले जैसे इवेंट आएगा क्या, तो हाँ भाई इवेंट तो आएगा लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही। टीम फायर व्हाइट ने रैग्नारोक बंडल के बारे में पूछा है, तो देखो ब्रदर एडवांस सर्वर आने से पहले इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल रहे थे, लेकिन एकदम से अपडेट मिलना बंद हो गए। अब आप लोग अपडेट का वेट कर लो, मैं इसके रिगार्डिंग तभी आपको बता पाऊंगा। एडी गेमिंग ने पूछा है कि दिवाली विश इवेंट के अंदर इनक्यूबेटर की गन स्किन आएगी जैसे कि टाइटन स्कार, तो हाँ ब्रदर इनक्यूबेटर की गन स्किन आएगी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी गन स्किन रहेगी। रही बात दिवाली पास की, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत जल्द अपडेट दे दूंगा। फरहान ने एक मस्त सी शायरी मारी है, आइए सुनते हैं। अर्ज किया है कि जब कोई नहीं था संग, इरशाद इरशाद, कि जब कोई नहीं था संग, फ्री फायर ने ही दिखाया मुझे फ्रेंडशिप का खूबसूरत रंग। आय हाय, यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब अपन लोग फ्री फायर खेलते हैं तो अपना माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, ठीक है, मजा आ जाता है। बाकी गैस अगर आपको हमारे नेक्स्ट नवंबर दिसंबर और जनवरी 2024 के बुया पास को देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो गए वो तुम्हें जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।